और रही बात स्वाद का, तो जिला भर में अच्छा इसके स्वाद जैसा कोई टक्कर का नहीं है पूरा समस्तीपुर में, पूरा जिला में। कहते रहने कि जो पूर्वी चंपारण में मटन हांडी जो बनाता वो भी इसके आगे फीका। लगभग समस्तीपुर जिला के कोना कोना से लोग यहाँ आते हैं जो मांस मछली के शौकीन हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसा यहाँ बनता है वैसा पूरे जिले में कहीं पर भी मटन का ऐसा व्यवस्था नहीं है। तो दोस्तों आज हम आपको फिर से लेके आ चुके हैं एक नए जगह पे। जगह नया है लेकिन दुकानदार जो है वो पुराना है। पहले यहाँ पे मटन बेचते थे लेकिन अभी जो है वह मटन जो है यहाँ पे पूरा जो अपना सेटअप लगा लिए हैं। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नए से वीडियो में। दोस्तों फिलहाल अभी हम पहुँच चुके हैं समस्तीपुर, और समस्तीपुर में अभी हमें खाटू श्याम मंदिर से थोड़ा सा आगे, और यहाँ पे जो है सूरज होटल का जो है नया होटल अपना बना लिए हैं। और इधर देख सकते हैं बाइक कितना सारा यहाँ पे लगा हुआ है, काफ़ी लोग यहाँ पे जो है आके खा रहे हैं और काफ़ी लाइन भी लगा हुआ है। तो चलिए हम भी यहाँ का मटन टेस्ट करेंगे और आप तक यहाँ का टेस्ट पहुँचाएंगे, और कैसे कैसे भैया यहाँ पे बनाते हैं मटन और कैसा टेस्ट होता है वैसे भीड़ देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने घंटे में जो है इनका मटन साफ हो जाता होगा। भैया भी जो है परेशान हो रहे हैं मटन देने के लिए, और कस्टमर काफ़ी टाइम से यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे भैया सारा सेटअप लगा चुके हैं और कढ़ाई भी सेट हो गया है। अब जो है यहाँ पे चूल्हा को जो है जलाया जा रहा है। ये हमारा जो है गैस चूल्हा जो है जल चुका है। कढ़ाई हीट होने के बाद तुरंत जो है भैया इसमें डाल रहे हैं सरसों तेल। कितना तेल जाएगा अभी? साढ़े तीन किलो। मटन कितना बनेगा? 27 किलो। अच्छा, ये आ गया दूसरा बोतल। ये घर से ही भर के लाते हैं तेल? अच्छा, मतलब नया सेटअप बना लिए, यहाँ पे स्टॉक में नहीं रखते हैं, जो भी रहता है सारा सामान घर पे ही। और है क्या तेल वाला बोतल? नहीं, तीन बोतल में लाते हैं। गर्म होने के बाद सीधा इसमें हल्दी जाता है? अच्छा, ये देखिए जैसे तेल गर्म हुआ वैसे भैया इसमें हल्दी डाल दिए। अच्छा, पहले हल्दी डालने से क्या फ़ायदा होता है? मीठ बनता है जब हल्दी डालो। अच्छा, इसमें आधी लहसुन का पेस्ट डाल दो। अच्छा, ये भी घर से ही तैयार करके लाए हैं? हाँ। अच्छा, ये कितना मात्रा में डाल रहे हैं लगभग? एक किलो। ये गया आधी और लहसुन का जो है पेस्ट। अब क्या डालिएगा इसमें? मिर्चाई। अच्छा, ये कितना ग्राम का पैकेट है? 100 ग्राम का? 200 ग्राम का। अच्छा, एक दूसरे का। अच्छा, मतलब टोटल 400 ग्राम दो पैकेट डाल दिए हैं। और जाएगा 100 ग्राम और डालना? अच्छा, मतलब आधा किलो मिर्च पाउडर डालते हैं। अच्छा, ये गया 100 ग्राम। और मसाला को पहले भूंज लेते हैं ना? प्याज डाल दें? प्याज भी घर से ही काट के लाते हैं? ये गया प्याज। प्याज देखिए कितना बारीक से भैया काट के लाए हैं। टोटल अभी इसमें कितना प्याज डालिएगा? 14 किलो। 14 किलो। अच्छा, मतलब 27 केजी मटन में जो है 14 केजी प्याज जाएगा। और जैसे इसमें प्याज डाला गया वैसे अब देखिए प्याज और मसाला जो मिला गया उसके बाद कलर देखिए क्या खूबसूरत दिखने में लग रहा है। ये आया दूसरा पनीर। ये टोटल जो है 14 केजी प्याज। इसको अभी कितना देर तक गलाइएगा? 10 मिनट। 10 मिनट तक। पहले तो दुकान उस साइड था बगल में झोपड़ी में? अच्छा, अभी ये अपना ही है? ये अपना नहीं जी, भैया का दुकान बगल में ही था तो वो झोपड़ी में था, उतना स्पेस भी नहीं था। यहाँ पे स्पेस भी काफ़ी अच्छा खासा है। मसाला और प्याज को जो है अच्छे तरीके से भैया मिला दिए। मिलाने के बाद अब कलर कितना गजब का है। अब इसमें और भी कोई मसाला जाएगा भैया? इसमें अब कुछ नहीं, अब गरम मसाला जाएगा, घी जाएगा। ये जा रहा है मटन प्याज को लगभग यहाँ पे जो है भैया 10 मिनट से जो है भूंज रहे हैं। ये देखिए मटन का पीस, काफ़ी बड़ा बड़ा पीस भी है मटन का। क्या रेट होता है भैया मटन का? 800 रुपये। कितना? 800 रुपये किलो। अच्छा, 800 रुपये किलो बना के? बना के। अच्छा, प्लेट के हिसाब से? 80 रुपये 100 वजन से। अच्छा, वजन से 80 रुपये 100 मिल रहा है मटन। लड़ वगैरह इसी में रहता है? पहले ही डाल देते हैं। टोटल जो है 27 केजी मटन है इस कढ़ाई में। अब इसमें नमक जा रहा है ना? अच्छा, ये देखिए पूरा अंदाज से ही जो है भैया इसमें डाल रहे हैं नमक। और मटन मसाला सारा कुछ जो है मिलाने के बाद मटन का एक अलग ही कलर आ गया। ये देखिए चलाने में काफ़ी दम लग रहा है।
क्योंकि 27 केजी मटन है और कढ़ाई भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब पूरा जो है मटन और प्याज से ही कढ़ाई फुल हो गया है। तो 10 से 15 मिनट जो है इस मटन को भूंजा जा गया, उसके बाद जो है भैया इसमें डाल रहे हैं पानी। इसी में पकेगा मटन? मटन इसी में पक जाएगा। इस होटल का कितना साल हुआ है, कब से होटल चला रहे हैं? 99 से चला रहे हैं। अच्छा, 1999 से। अच्छा, अभी 15 दिन ही हुआ है यहाँ पे आए हुए, मतलब इस जगह पे। बगल में ही पहले इनका दुकान था। ये देखिए पूरा जो है कढ़ाई लवालब हो गया है। टोटल ये कितना खसी का माल लिए? 5। या तीसरा। ये भी वजन के हिसाब से ही देते हैं? हाँ। ये एक चुस्ता का कितना वजन हो जाता होगा? कोई 100 ग्राम का है, कोई 150 ग्राम का है, कोई 100 ग्राम से कम का है। अच्छा, अब इसको बनने में कितना टाइम लगेगा? एक घंटा नेट। वैसे जब स्टार्टिंग में शुरू किए थे मटन बेचना, उस टाइम कितना केजी से स्टार्ट किए थे? 2 केजी से। अच्छा, आज 27 केजी बेच रहे हैं। अच्छा, आइडिया कैसे आया कि मटन का दुकान ही खोले? हमारा पिताजी बनाते थे। अच्छा, पहले पापा बनाते थे। हाँ। अच्छा, यहाँ पे फिलहाल देख सकते हैं काफ़ी बाइक वगैरह और इधर जो है ट्रक वगैरह लगा हुआ है, मटन खाने के लिए रुका है। और सारा जो है ये ठेला वगैरह देख सकते हैं। सुबह सुबह का टाइम, अभी नाश्ता करने का ही टाइम है, लेकिन लोग यहाँ पे जो है नंबर लगा के खड़े हैं मटन खाने के लिए। इतना फेमस होता है यहाँ का मटन। अभी देखिए मटन चढ़ा हुआ ही है, लेकिन भैया लोग जो है यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो अंकल जी यहाँ पे वेट कर रहे हैं मटन खाने के लिए जी। अच्छा, कैसा होता है यहाँ का मटन? अच्छा लगता है तो ही आता है लोगों ने। अच्छा, और ऐसा नहीं कि मैं आज पहली बार आ रहा हूँ, बहुत दिन से आ रहा हूँ। बहुत दिन से आ रहे हैं, वेट करके ही खाना पड़ता है। यही टाइम है इनका। अच्छा, यही टाइम 9 से 9:10 तक ये रेडी हो जाता है पर डे। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद लगता है 12 बजते क्लियर हो जाता है सर। 12 बजते क्लियर हो जाता है। बसता भी नहीं है, कस्टमर घूर जाता है। घूर भी जाता है कस्टमर। हाँ हाँ। वैसे अभी मटन बनने में टाइम है, अभी बना नहीं है, लेकिन भैया लोग जो है काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। हाँ। बाइक लगा के, ठेला लगा के, कोई ट्रक लगा के, तो इन लोग को बहुत जल्दी है। पुलाव किस किस दिन मिलता है? शुक्र, सोमवार, बुध। अच्छा, बाकी दिन चावल? चावल और रोटी। वैसे देख सकते हैं मटन का कलर काफ़ी बेहतरीन आ चुका है। अभी और रोगन आएगा साइड से। वैसे रोगन देखिए क्या गजब का लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है देखने से, और सुगंध जो है काफ़ी बढ़िया आ रहा है इसमें निकल के। बुद्धू सर, अब इन्हें और 3 आदमी होते हैं। वैसे अभी जो है इसमें घी नहीं डाला गया, और प्याज जो खड़ा खड़ा था वो जो है सारा गल गया। ये देखिए प्याज बिल्कुल भी नहीं है इसमें, और ग्रेवी देखिए काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा सा है। वैसे आपको एक बार अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। वैसे अंदर में देखिए काफ़ी भीड़ है। वैसे अब जो है यहाँ पर जगह का कोई भी दिक्कत नहीं है, जगह जो है भैया काफ़ी बढ़ा दिए। वैसे पहले जो उधर झोपड़ी था उसमें जो है जगह कम स्पेस था, लोग जो है खड़े होके खाते थे वहाँ पे मटन, लेकिन यहाँ पे लंबा सा है, एक बार में कम से कम 50-60 आदमी बैठ के यहाँ पे खा सकते हैं। घी डालेंगे? अच्छा, वो घी जाएगा। अच्छा, वैसे भैया यहाँ पे खाने का टाइम क्या हो जाता है? 9:30-9:15 से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, 9:30-9:15 से स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे मटन का कलर क्या गजब का कलर आया है, ये देखिए। और इधर पुलाव देखिए, पुलाव का क्वालिटी भी काफ़ी बेहतरीन है, देखने जो है काफ़ी बढ़िया सा लग रहा है। यहाँ पे मटन खाने के लिए आएगा तो एड्रेस क्या हो जाएगा? खाटू श्याम मंदिर बाईपास रोड। अब ये जा रहा है घी, ये देखिए कितना घी डाले भैया अभी इसमें? 300 ग्राम। अच्छा, भैया लोग देखिए अभी भी लाइन लगा के खड़े हैं अंदर। तो आप भीड़ देख ही चुके हैं कितना ज़्यादा भीड़ है अंदर में। टेस्ट वाकई में यहाँ का बहुत अच्छा है। हम पहले भी आ चुके थे यहाँ पे मटन खाने के लिए, एक बार यहाँ का मटन खा चुके हैं और फिर से आए हैं, क्योंकि उस टाइम आपको सही से रेसिपी नहीं दिखा पाए थे। वैसे काफ़ी टाइम से हम भी खड़े हैं, हमको ऐसा लग रहा है जब तक ये मटन ख़त्म नहीं होगा तब तक इनका लाइन भी जो है ख़त्म नहीं होगा। तो हम भी अपने लिए प्लेट लगवा लेते हैं, क्या पता कब मटन ख़त्म हो जाए। भैया मेरे लिए भी लगा दीजिएगा प्लेट। कैसा लग रहा है यहाँ का मटन? सबसे पहली बार सूरज जी के यहाँ का मीट करीब हम 12 साल से खा रहे हैं। 12 साल से खा रहे हैं? 12 साल से। अच्छा, हफ्ता में 2 दिन का हमारा इनके यहाँ का स्वाद चखना ही चखना है। और रही बात हफ्ता में 2 दिन। अच्छा, और रही बात स्वाद का तो जिला भर में अच्छा
इसके स्वाद जैसा कोई टक्कर का नहीं है पूरा समस्तीपुर में, पूरा जिला में। 12 साल से मेरा इनके यहाँ का तालुका सिर्फ मटन का है, मटन का है। इनके हाथ में जो कला है किसी के हाथ में नहीं है। ऐसा लग रहा है आपको मटन? देखिए, बुलाने का कारण है कि यहाँ जो हम लोग लगभग समस्तीपुर जिला के कोना कोना से लोग यहाँ आते हैं जो मांस मछली के शौकीन हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसा यहाँ बनता है वैसा पूरे ज़िले में कहीं पर भी मटन का ऐसा व्यवस्था नहीं है। स्वादिष्ट मटन ऐसा कहीं नहीं बनता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सूरज जी और उनका लड़का है दीपक जी, बहुत ही मृदुभाषी और व्यवहार कुशल हैं। उनके व्यवहार से भी लोग यहाँ आते हैं। भीड़ काफ़ी होती है, लोगों को एक तरह से लाइन में लगना पड़ता है, लेकिन किसी को असुविधा नहीं होती है। सब आदमी लाइन से सिस्टम से लेते हैं और खाते हैं। दाम भी बहुत वाजिब लगता है और बहुत बेहतर। फाइनली काफ़ी वेट करने के बाद हमारा प्लेट लग के हो चुका है रेडी। वैसे जो वहाँ पे प्लेट पहले दे दिया जाता है उसके बाद मटन लिया जाता है, वैसे देख सकते हैं पीछे अभी भी मटन लेने के लिए काफ़ी लोग खड़े हैं। जल्दी जो है मटन मिलता नहीं है, लाइन लगा के खड़ा रहना पड़ता है, लेकिन सबको मटन दिया जाता है। वैसे ये देख सकते हैं हम मेरा मटन, ये देखिए ग्रेवी कितना गाढ़ा गाढ़ा है। तो पहले हम टेस्ट करते हैं ग्रेवी और पुलाव। टेस्ट जो है काफ़ी बढ़िया है और नॉर्मल तीखा है। वैसे मटन चिकन तीखा होना ही चाहिए, क्योंकि तीखा नहीं रहने पर जो है मज़ा नहीं आता है। काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ऊपर जो घी डाला गया था उसका फ्लेवर काफ़ी बढ़िया आ रहा है जो लास्ट में डाला गया था, और घी डालने के बाद जो है फाइनली इनका मटन बन गया था। मन कर रहा है सिर्फ ग्रेवी और पुलाव ही खाएं। टेस्ट काफ़ी बहुत अच्छा है इनका मटन का, इसीलिए तो इतना भीड़ लगा हुआ रहता है। इतना पीस ट्रे लिया गया पीस, ये देखिए काफ़ी बढ़िया जो है पकाया गया है। ये देखिए काफ़ी बढ़िया, लगभग इसको 1.5 घंटा तक पानी डालने के बाद जो है मटन को 1 घंटा तक पकाया गया था। और स्टार्टिंग से जो प्रोसेस होता है टोटल 1.5 घंटा प्लस हमको लगता है लगा होगा मटन पकने में। तो आ गया अपना मटन का पीस, काफ़ी बढ़िया तरीका से पकाया गया है, पूरा घुल जा रहा है, जैसे ले रहे हैं पूरा घुल जा रहा है। टेस्ट काफ़ी बढ़िया है। अगर आप भी आते हैं समस्तीपुर तो एक बार ज़रूर आइए यहाँ पे सूरज होटल, यहाँ का मटन टेस्ट कीजिए। एड्रेस आपको बता ही दिया गया है, उसे डिस्क्रिप्शन में भी एड्रेस यहाँ का डाल देंगे। तो चलिए करते हैं प्लेट कट और आपसे मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे जगह पे अच्छे खाना के साथ।